हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको अपना छोटा सा किचन दिखाने जा रही हूँ जो कि नॉन मॉड्यूलर है और इसमें रैक वगैरह भी नहीं है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि मैंने अपने किचन को कैसे सजाया है। तो यहाँ पर एक टॉवेल हैंगर है, उसके ऊपर में मैंने जूस छानने वाला छन्नी को एक कांटी में टांग के रखा है। उसके बगल में एक बर्तन स्टैंड है, ये बर्तन स्टैंड मेरा काफ़ी पुराना है। इसमें मैंने प्लेट, कटोरी, गिलास, रोज़ का जो बर्तन होता है उसे सजा के रखा है। तो इस तरह से मेरा बर्तन स्टैंड दिखता है। और इसके बगल में एक हैंगर है जिसमें मैंने कप को टांगा है, इसमें ग्रेटर को टांग दिया है, विस्कर, जो रोज़ ज़रूरत के सामान होते हैं उसको मैंने यहाँ टांग के रखा है ताकि कम जगह में अच्छे से ये ऑर्गेनाइज लगे। इसके बगल में एक और हैंगर है, इसमें मैंने कलछी, छन्नी ये सब टांग के रखा है। तो इस तरह से मेरा किचन दिख रहा है फ्रेंड्स। तो देखिए इस तरह से मैंने इसे ऑर्गेनाइज किया है, ये कम जगह में ऑर्गेनाइज है और बहुत ज़्यादा सामान इसमें आ जाता है। तो इस तरह से मेरा किचन दिख रहा है। और इसके नीचे में नल लगा हुआ है, यहाँ पे ये मेरा सिंक है, यहाँ पर मैंने हैंड वॉश रखा है और बर्तन धोने वाला साबुन को रखा है। और यहाँ पर एक खिड़की है, इस तरह से मेरा काउंटर टॉप दिख रहा है। ये मैंने खाली रखा है, काउंटर टॉप पे ज़्यादा सामान को नहीं रखा है। ये दूसरा खिड़की है, इसके ऊपर चाकू, लाइटर रखा है ताकि आसानी से हम इस्तेमाल कर सकें। यहाँ पर कॉर्नर में मैंने एक रैक लगा के रखा है, ये कम जगह में अच्छा सामान इसमें आ जाता है। और ये बगल में रहने से, गैस के बगल में रहने से आसानी से हम सामान इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने कुछ मसाले यहाँ पे रखे हुए हैं जो रोज़ काम में आते हैं। तो इस तरह से कॉर्नर रैक मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है, एक कम जगह में अच्छा सामान इसमें आ जाता है। यहाँ पर मेरा गैस स्टोव है, ये भी बहुत ही पुराना है। यहाँ पर एक इंडक्शन है, इसके बगल में मैंने मिक्सी को रखा है। यहाँ पर एक टेबल लगा हुआ है, मिक्सी रखा है, यहाँ पर पानी का बोतल है, यहाँ माइक्रोवेव रखा है और इसके ऊपर में इस तरह से मैंने सामान रखा है ताकि इस जगह का अच्छी तरह से उपयोग हो जाए। यहाँ पर सॉस का बोतल है, यहाँ पर कुछ प्लास्टिक के कटोरी हैं, कांच का गिलास रखा है, इस तरह से यहाँ पर मैंने चम्मच रखा है। तो इस तरह से मैंने टेबल का इस्तेमाल किया है यहाँ पे। इसके जस्ट ऊपर में एक रैक स्टील का है, इसमें मैंने कप टांग के रखा है और पीछे में कांच का ग्लास रखा है। तो ये इस तरह से दिख रहा है। और इसके ऊपर में यहाँ तीन रैक वाला स्टील का रैक है, यहाँ पर भी मैंने ज़रूरत के सामान रखे हैं। छोटे छोटे जो सामान होते हैं उसे मैंने यहाँ रखा है। यहाँ पे इस तरह से तीन रैक है। तो एक कम जगह में
अच्छी तरह से सामान आ जाते हैं इसमें। तो इस तरह से मेरा रैक दिखता है, और यहाँ पर एक लकड़ी का रैक लगा हुआ है जिसमें मैंने नमक, चीनी, मिर्चा जो रोज़ इस्तेमाल होता है उसे रखा है। यहाँ पर मैंने बड़े डब्बे को लगा के रखा है। तो इस तरह मैंने एडजस्ट किया है, देखिए इस तरह से मेरा किचन दिख रहा है। देखिए मैं दूर से दिखा रही हूँ, इस तरह से काउंटर टॉप आपको दिख रहा होगा। तो इस तरह से मेरा किचन दिखता है। यहाँ पर एक फ्रिज है, इसके ऊपर में एक मैंने तवा टांग के रखा है, और फ्रिज के ऊपर यहाँ पर च्यवनप्राश रखा है ताकि हम आसानी से इस्तेमाल कर सकें, हमेशा हमें याद रहे। तो इस तरह से मेरा फ्रिज आपको दिख रहा होगा। इसके बगल में एक सब्जी का स्टैंड है, यहाँ पर मैंने आलू, प्याज और कुछ सब्जियाँ रखी हैं। यहाँ पर टेबल के नीचे जो रैक है उसमें मैंने बड़े बड़े डब्बे को लगा के रखा है। तो इस तरह से दाल, चीनी रखा है। यहाँ पर दो बड़े स्टील के डब्बे दिख रहे हैं, इसमें एक में चावल रखा है और एक में आटा रखा है। यहाँ एक ब्लू कलर का बड़ा डब्बा है, इसमें जो बर्तन इस्तेमाल नहीं होता है उसे मैंने रखा है। यहाँ पर बड़े बर्तन हैं, इस तरह से टोकरी में रखा है। तो इस तरह से मेरा किचन दिखता है दोस्तों। तो अगर ये किचन टूर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।